जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर सरकार सख्त हो गई है और किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार न हो इसके लिए विजिलेंस एक्शन के मोड में है। ताजा मामला यमुनानगर का है, जहां विजिलेंस ने शिकायत मिलते ही तुरंत टाउन प्लानिंग विभाग के एक पटवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। जमीन की एनओसी देने के एवज में पटवारी ने 12,000 रुपए की डिमांड की। फिलहाल विजिलेंस की टीम ने पटवारी को पकड़ कर जांच शुरू कर दी है। जहां भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद आज हरियाणा के सभी आरटीए को हटा दिया गया है, वहीं विजिलेंस भी एक्शन के मोड में नजर आ रही है। बुढ़िया के रहने वाले शिकायतकर्ता गुरप्रीत छाबड़ा ने बताया कि मैंने खेती के लिए एक जमीन खरीदनी है, उसके लिए मुझे एनओसी की जरूरत थी जो डीटीपी विभाग के द्वारा दी जानी थी। यहाँ एक पटवारी धर्मवीर है, उन्होंने मुझसे 12,000 रुपए की डिमांड की, जिसमें से 2,000 रुपए मैंने इसी महीने में दे दिए थे और 10,000 रुपए उनको देने के वक्त विजिलेंस विभाग को बताया गया कि वो एनओसी देने के एवज में 12,000 रुपए मांग रहे हैं। 2,000 मैं दे चुका हूँ, फिर मैंने आज 10,000 दिए और वो पटवारी विजिलेंस ने पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ लिए। बुढ़िया का रहने वाला हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक एग्रीकल्चर जमीन परचेज की है, उसके लिए मेरे को एनओसी की जरूरत थी जो डीटीपी विभाग के द्वारा दी जानी थी। वहाँ पर एक पटवारी जी धर्मवीर जी हैं, उन्होंने मेरे से 12,000 रुपये की डिमांड करी, जिसमें से मैंने 2,000 रुपये उन्हें इसी माह में दे दिए थे और आज 10,000 रुपये उनको देने थे। तो मैंने विजिलेंस विभाग को उसके बारे में बताया कि आज मेरे से वो बतौर रिपोर्ट करने के एनओसी देने के नाम पर 12,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, जिसमें से 2,000 रुपये मैं पहले दे चुका हूँ, 10,000 रुपये बताया थे जो मैंने आज देने थे, और विजिलेंस विभाग को मैंने बताकर और उसको दिए और वो रंगे हाथों पकड़ा गया। ये अकेले ही थे धर्मवीर जी, ये पटवारी जी, इनको मैंने 12,000 रुपये रिश्वत इन्होंने मेरे से मांगी। तो काम फाइल आप जो काम था आपका कर दिया अभी या रोक रखा? नहीं, वो पेंडिंग में है सर अभी। वो इन्होंने अपना वो कह रहे थे कि वो जब मैं उनके पास गया तो वो कह रहे थे मेरे को कि नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका काम हो जाएगा, आप मेरे को पैसे दे दीजिए। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए विजिलेंस इंस्पेक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता गुरप्रीत छाबड़ा जो बुढ़िया से है, आज हमारे पास आए थे तो उन्होंने बताया कि इन्होंने 7 कनाल सारा मरले जमीन खरीदी, उसके लिए एनओसी चाहिए थी, उसके लिए ये टाउन एंड प्लानिंग के धर्मवीर पटवारी से मिले, जिन्होंने इनसे 12,000 की डिमांड की, जिनमें से 2,000 रुपए ले चुके थे, 10,000 के साथ आज हमारी टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिए। इसमें सेक्शन 7 और PC एक्ट लगाया गया है और आगे भी जो कार्यवाही बनेगी अमल में लाई जाएगी। कंप्लेनेंट गुरप्रीत छाबड़ा जो बुढ़िया से है, ये हमारे पास आज दिन में आए थे और इन्होंने बताया था कि इन्होंने 7 कनाल 17 मरले जमीन खरीदनी थी, उसके लिए एनओसी चाहिए थी, तो उसके लिए ये धर्मवीर पटवारी से, टाउन एंड प्लानिंग के धर्मवीर पटवारी से मिले, जिन्होंने इनसे 12,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी, जिसमें से 2,000 रुपए ये पहले ले चुके हैं और 10,000 रुपए लेते आज रंगे हाथों पकड़े गए। ये हमने सेक्शन 7 और 13 PC Act लगा चुके हैं हम, और जैसे आगे कार्रवाई अमल में आएगी जो भी होगा एज इट इज।